आप अपने पशु का वेट स्वयं कर सकते हैं। इंची टेप रखे हुए हैं, उसका फार्मूला अगर आप चाहें तो खुद निकाल सकते हैं, जो आगे का ये होता है। यस, इसको इंची टेप से नाप लें, ठीक है, इसको एक कागज पर लिख दें। उसके बाद जहाँ पर यह रीढ़ होती है, रीढ़ ये हड्डी देखे हुए हैं, कोई पशु बना है यहाँ पर, जैसे ये देखें तो रीढ़ की हड्डी पर से यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, और उसकी जो पूछ है, पूछ तक आप क्या करेंगे, इसको नापेंगे। हाँ, जहाँ पे इसके टेल है, टेल इसको आप नाप लेंगे। ये आपकी लंबाई लेंथ निकल आई, इंची टेप से नापिएगा। तो अब इसका वेट निकालना है, इसको करना है W बराबर एल जी स्क्वायर, कि W बराबर वेट बराबर एल जी स्क्वायर। एल क्या हुआ, जो लेंथ आप टेल से लेकर के और यहाँ लंबाई जो नापा, और दूसरी क्या हुई है, गर्थ हो गई, जैसे ये हमने लगाया तो ये गर्थ हो गई, इसका कर दिया स्क्वायर। इसको 300 से भाग करिए और उसके बाद 600 से भाग कर दीजिए तो केजी में आएगा। 300 से भाग करेंगे पाउंड्स में आएगा, 600 से भाग कर देंगे किलो में आ जाएगा। तो उस पशु का वेट आपने निकाल लिया, किसी मशीन पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। समय पे बरसीम हरा चारा बहुत है अपने यहाँ, जब हरा चारा आप खिलाते हैं तो पशुओं में क्या होता है कि उनका डायरिया शुरू हो जाएगी या पेट फूल आएगा। तो जब भी हरा चारा अचानक जब शुरू हो तो एक साथ हरा चारा ना दें। क्या करेंगे उसमें आप, कि हरा चारा के साथ में भूसा भी मिलाएं, 1/4 भूसा। कुछ लोग हरा चारा ही देते हैं कि हरा चारा तैयार हो गया है, तो 1/4 जो है भूसा मिला लें, शेष हरा चारा दें, जिससे पेट नहीं फूलेगा। कुछ घासें हैं जहरीली जिन्हें हम आप बोलते हैं, वो पशुओं को चली जाए अगर अंदर, तब क्या करना चाहिए, कुछ ना करें आप। सबसे पहला काम, यहाँ पर सरसों सबके यहाँ होती है, सरसों ले लें, 250 ग्राम सरसों, नमक डाल लें, किसमें, पानी में, इसका घोल बना लें और पशु को पिला दें। इसके साथ साथ अगर कुछ लोग कर सकते हो तो उसके उधर भाग से पानी जितना अंदर डाल सकते हो अंदर डालें। आप इतना जब करेंगे तो पशु तब तक सुरक्षित महसूस करेगा, फिर आप फोन करके पशु चिकित्सा अधिकारी को बुला करके आपको समय मिल जाएगा, ये प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। कोई भी जानवर पैदा होगा तो उसका सबसे पहले जो है आप ध्यान रखिएगा कि वैक्सीनेट हो, मतलब सही टाइम पे उसको टीके लग जाएं पूरे, बकरी हो तो बकरी के हिसाब से और बाकी ये बड़े जानवर हैं तो पड़िया या वो उसके हिसाब से। टीका हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि टीका, बीमार जानवर को टीका लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, टीका तभी लगता है जब वो जानवर बीमार ना हो और उसको बीमारी ना आए। एक बार अगर वो जानवर बीमार हो गया आपके टीका नहीं लगाने की वजह से, तो आप उसको टीका लगा के भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। घर में किलनी से और जो जुए हैं, चिच्चड़ बोलते हैं उसे, किलनी चमोकन कुछ भी कह लीजिए, तो उससे सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, उससे हमें कैसे निजात पाना है ये भी एक बताता हूँ कि 1 लीटर दूध बनने के लिए जो अडर जो थन होता है, मिल्क पोर होता है, उसके माध्यम से 400 लीटर खून के सर्कुलेशन जब होता है तब फिर जाकर के 1 लीटर दूध बनता है। तो कहने का माध्यम यह है कि जब पशुओं के, हमारे जो गाय या भैंस है या बकरी है, अगर उनका ब्लड सर्कुलेशन और जितनी अधिक मात्रा रहेगी खून की, तो मिल्क प्रोडक्शन भी हम उससे ज़्यादा पाएंगे। तो किलनी से नुकसान क्या है, किलनियाँ जो हैं वो खून को चूसती हैं, वो लगभग एक बार में 30 से 40 हज़ार अंडे देती हैं, और वो फिर बढ़ जाते हैं, फिर 15 दिन बाद वो शरीर पे आके चिपक जाते हैं। कोई किलनी है कहीं ईंट के छेद में घुस गए, तो वो एक किलनी बिना खून पिए 1 महीने तक जिंदा रह सकती है, और 15 दिन 1 महीने बाद दवा का असर फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वो किलनी आकर के चिपक जाती हैं। तो इसका सीधा सीधा ये फार्मूला है कि आप हर हफ्ते उसको लगाइए और लगभग 1.5 महीने तक करें, जिससे कि जो अंडे हैं वो भी बढ़ते हैं, तो वो जब खून चूसेंगे तो वो जो दवा लगी रहेगी उस चूस करके फिर वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लगभग अगर 1-1.5 महीने करते हैं तो वो किलनी की समस्या लगभग 80% कम हो जाती है। हम उसको कैसे रख रहे हैं, हम डेली नहाते हैं, डेली सब कुछ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, स्ट्रेस सब जाता है, तनाव के पीछे कई हैं कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस है, और जैसे कि जानवर को चराने के लिए रहे हैं, बच्चा चरा रहा है, अब उसको दौड़ा दिया, वो अब वहाँ से स्ट्रेस आ गया, गर्म पानी पी रहा है, क्या है उसको स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस का एडवर्स रिएक्शन क्या आएगा, उसके
उत्पादन पे आएगा।